हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन नरवाल। तो आज हम देखने वाले हैं आरएमसी 2019 दिसंबर मैथ्स पेपर सॉल्यूशन पार्ट बी। दोस्तों, पार्ट ए हमारा हो चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और जीके के पेपर के भी हमारे सॉल्यूशन हो चुके हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट ए में हमने 10 क्वेश्चन किए थे, पार्ट बी में भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 11th से स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन। तो दोस्तों, ये जो इक्वेशन दी है इसको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, क्या इक्वेशन, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ऐसे मल्टीप्लीकेशन का किया, तो 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 और फिर माइनस 5x मल्टीप्लाई बाई 2 और अपॉन 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1। तो दोस्तों, अब और इज इक्वल टू एक्स, नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वालों की भी कर देते हैं। 2x प्लस 5, 2x की मल्टीप्लाई पहले x में करते हैं, क्या आएगा दोस्तों, 2x स्क्वेयर और फिर 1 में करते हैं, माइनस 2x और फिर 5 की x में करेंगे तो प्लस 5x माइनस 5 और फिर माइनस लगा देंगे और 5x की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो आएगा 10x। और नीचे वालों की भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x की मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करते ही सेम नंबर आता है दोस्तों, स्क्वायर नहीं आएगा। और ये x भी नहीं आएगा, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x। तो दोस्तों, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, इस वाली इक्वेशन को वहां पे मल्टीप्लाई में पहुंचा देते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 5 माइनस 10x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2x माइनस 2। तो दोस्तों, पहले x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 5 माइनस 10x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और माइनस 2x। और इन दोनों इक्वेशंस को इस साइड ले आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 5 माइनस 10x, या फिर प्लस का है तो माइनस का, 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों, अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये प्लस का है 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस का 2x है और यहाँ पे माइनस का 2x है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अब हम हमारा क्या बच गया, प्लस 5x माइनस 5 माइनस 10x। तो दोस्तों, प्लस और माइनस तो माइनस होंगे, और 10 में से 5 गया तो माइनस के 5x, और जो ये माइनस 5 है इसको हम उस साइड ले जाएंगे, तो ये वैसे दोस्तों ये प्लस का था, प्लस 5x माइनस 5, तो ये माइनस 5 हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस का है उस साइड जाके प्लस का होगा, तो x की वैल्यू आएगी 5 अपॉन माइनस 5 और 5 से 5 को काटेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो बढ़ते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन का हमारा आंसर हो चुका है। तो
दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12th. Find x so that 5/3 minus 5 multiply 5/3 minus 11 power है 5/3 की और 5/3 की power 8x. तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें x की पावर वो निकालनी है दोस्तों वैल्यू. तो 5/3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5/3 माइनस 11 इज इक्वल टू 8x. 5/3 की पावर 8x. तो दोस्तों बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी. 5/3 की पावर माइनस 5 प्लस माइनस 11 इज इक्वल टू 5/3 8x. तो जुड़ जाएंगी दोस्तों ये 5/3 की पावर माइनस 16 इज इक्वल टू 8x. तो अब क्या करेंगे, वो 8x नहीं होगा दोस्तों, ये यहाँ पे होगा 5/3 की पावर 8x. गलती से हो गया था, 5/3 की पावर 8x. तो माइनस 16 यहाँ से बेस से ये बेस कैंसिल, माइनस 16 इज इक्वल टू 8x और माइनस 16 इज इक्वल टू 8x आ गया. तो 8 हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 8 को डिवाइड भेज दो. माइनस 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू x. तो 8 टू जा मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी 8 से 2 टाइम मतलब माइनस 2. दोस्तों हमारा 12th क्वेश्चन भी हो चुका है, बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ. तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. फैक्टराइज करना है दोस्तों x की पावर 4 माइनस 81 की पावर y की पावर 4. तो इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें हम पहले अप्लाइंग कर देते हैं, अप्लाइंग ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी. दोस्तों x की पावर इसका 2 करना है तो इसका मतलब x की पावर 2 हो जाएगी. तो यहाँ पे रख देंगे x की पावर 2 प्लस 9y स्क्वेयर. अगर हम इसका स्क्वेयर लेंगे तो ये आएगा 81y की पावर 4 और फिर इसी को हम माइनस में रख देंगे. और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा बन गया है तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और ए प्लस बी, तो ए और बी ये हो गए. ए हो गया हमारा एक्स प्लस बी हो गया हमारा 3y और माइनस में रखते हुए इसको एक्स माइनस 3y हो चुका है दोस्तों हमारा फैक्टराइज. राइट कर लीजिए आप अच्छे से, नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों. तो चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ. दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. राउंड बॉक्स 13 मीटर नॉर्थ वेस्ट एंड 5 मीटर साउथ, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट. दोस्तों देखते हैं पहले दोस्तों डायग्राम बना लेते हैं. ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहां से वो नॉर्थ वेस्ट जाता है 13 मीटर और फिर साउथ आ जाता है 5 मीटर. तो ये बताना है ये वाली डिस्टेंस कितनी है. तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लगा देंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल. ओके दोस्तों अब यहाँ पे इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं. इसका ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं बी
सी और डी. इन राइट ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी डी सी. ओके दोस्तों, इसका नाम भी दे देते हैं. तो क्या होता है कि बी डी का स्क्वायर, बी से जो डी की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर. जो ये डिस्टेंस होती है दोस्तों, इसका जो स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर को मिला के इस का स्क्वायर आएगा. तो बी और डी के 13 है दोस्तों हमारे डिस्टेंस, और यहाँ पे 5 है प्लस सी डी स्क्वायर है. तो अब हम प्लस का है इससे जाके माइनस हो जाएगा. तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर. ये 169 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर. और स्क्वायर का स्क्वायर को हटा के यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा. तो 144 अंडर रूट इज इक्वल टू सी डी. और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों? 12 होता है. तो 12 क्या हो गया? सी डी. तो अब हम क्या लिख सकते हैं? राम इज 12 मीटर फार फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट. तो जब भी मिलते हैं हमें 5 नंबर क्वेश्चंस के, जब हम कुछ बड़ा करते हैं थोड़ा, तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. दोस्तों ये हमारा बोर्ड पे नहीं आया था, इसमें ये जो आपको एक्स दिख रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ. ये रहा हमारा दोस्तों क्वेश्चन, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वाले x की. तो हमने एंगल को मान लिया था, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D. तो दोस्तों एंगल A को निकालने के लिए हमें 180 में से 50 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये है लीनियर पेयर. तो कितना गया? 130. तो एंगल A हमारा कितना हो चुका है दोस्तों? 130. मैंने पहले ही सॉल्व करके रख लिया क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो दोस्तों. तो एंगल B हमारा 90 है ऊपर, तो 180 में से 90 माइनस कर देंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है. तो एंगल हमारा बी आ गया 90 डिग्री. एंगल सी हमारा 110 है, तो 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है. तो एंगल सी हमारा आ चुका है 70 डिग्री. तो दोस्तों जो क्वाड्रिलेटर के एंगल, सभी एंगल का सम 360 होता है. क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर. तो 130 आया था, एक 90 आया था, एक 70 आया था, प्लस में हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी थी. तो कितना हो गया हमारा? 360. क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल है इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो इसको 180 में से माइनस करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी. तो दोस्तों एंगल डी प्लस 290 डिग्री आ गया इनका सम. तो एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290, एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो एंगल डी प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है. और एंगल डी आ गया 70 डिग्री और प्लस एंगल एक्स, तो हमारा 180 डिग्री. और एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री हमारा आंसर आ चुका है. तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर. दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. ए कार ट्रेवल्स 432 किलोमीटर ऑन 48 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फार वुड इट ट्रेवल ऑन 20 लीटर ऑफ पेट्रोल. तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर. दोस्तों हमें क्या फाइंड करना है कि 20 लीटर में वो कितना रहेगा. तो 48 लीटर में वो जा रही है 432 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितना जाएगी? 432 अपॉन 48.
और 20 लीटर्स में कितना जाएगी? एक लीटर में इतना जा रही है, तो 20 लीटर में इसका 20 20 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 20। 2 सही है 10 टाइम, 2 सही है 24 टाइम, 2 सही है 5 टाइम, 2 सही है 12 टाइम, और 12 सही है 36 टाइम, और 36 5 180, मतलब 180 किलोमीटर जाएगी वो 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। राइट कर लीजिए दोस्तों, तो आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन मेरे बोर्ड पे नहीं आ सकता था, तो मैं कॉपी में आपको दिखा रहा हूँ, मैंने ये पहले ही सोल्व कर रखा है। तो दोस्तों ये जो स्क्वायर है इसका हमें, ये जो एरिया शेडेड है इसका हमें एरिया निकालना था, और ये जो सर्कल है इसका हमें रेडियस दिया था 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम इसके दो तरीके हैं, एक तो क्या तो हम पूरे को, पूरे में से इन दोनों सर्कल्स और जो इन दोनों सर्कल्स का एरिया पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस करके उसका 1/4 कर देंगे तो भी इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से एक स्क्वायर बना लें तो क्या होगा कि ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो इसका एरिया आ जाएगा 5 5 25। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने इसको नाम दे दिया है AEP के, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 5 × 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस स्क्वायर का जो एरिया है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। और दोस्तों जो सर्कल के हाफ, मतलब हाफ सर्कल का हाफ होता है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वेयर। तो अब हमने इसका एरिया निकालना है, 1/4 मल्टीप्लाई 22/7, पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7 होती है, और आर रेडियस हमारा 5 है, तो 5 × 5, और जो इसको, और फिर 2 सही है 11 टाइम, 2 सही है 2 टाइम्स, तो फिर हमारा आ जाएगा 11 5 = 55, और 55 5 = 275, 275/14, और इसको इससे कट करेंगे 14 का डिवाइड देंगे 275 में, तो आएगा 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी आ चुका है। चलते हैं, अब इसको हमें बस माइनस करना है। तो दोस्तों एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर AEP के माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो 25 आया था हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, और क्वाड्रेंट का एरिया था 19.64, तो इनमें से इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 5.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट कर लीजिए दोस्तों, तो आज का हमारा 17 क्वेश्चन हो चुका है, चलते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना है दोस्तों। 2x + 1/3x - 2 इज इक्वल टू 9/9। दोस्तों कहते हैं पहले तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 9/10। इसकी हम कल क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 10 2 = 20x + 10 1 = 10 इज इक्वल टू 9 3 = 27x - 9 2 = 18। और 27x को यहाँ पे लाएंगे, 10 को वहाँ पे भेजेंगे, तो 20x, ये प्लस का इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 27x इज इक्वल टू, ये प्लस का उस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 10 - 18, तो यहाँ पे आएगा -7x, और वहाँ पे आएगा -28, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 28 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 28/7। साइड में देख लेते हैं दोस्तों क्या आया हुआ था, x इज इक्वल टू 28/7, और फिर 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 हो गया हमारा सॉल्व। तो आज का हमारा 18th क्वेश्चन भी हो चुका है, चलते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, डिवाइड 6 + x - 4x² / x - 3। तो दोस्तों ऐसे इसमें डिवाइड देना है, यहाँ पे इसको लिखकर, और यहाँ पे x - 3। लेकिन दोस्तों इसको यहाँ पे लिखने से पहले हमें इसको अरेंज करना होगा। तो दोस्तों पहले हम लिखेंगे पावर वाला नंबर -4x², फिर हम लिखेंगे बिना पावर वाला नंबर, मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। पहले दोस्तों वेरिएबल वाला नंबर लिखते हैं, और फिर हम x लिख लेंगे, x किसका है, प्लस x, और प्लस 6, ये हो गया हमारा
इस नंबर को हम यहाँ पे रखेंगे। तो दोस्तों पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे लिखते हैं माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और प्लस सिक्स, और एस अब एक्स का खाली इसमें डिवाइड देना है, हमें ऐसे डिवाइड देना है कि इसके पहले नंबर को इसके पहले नंबर दोनों किसी भी उससे क्वेश्चन से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों सेम हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, तो माइनस फोर एक्स स्क्वेयर में एक्स का डिवाइड दे देते हैं, तो एक्स से एक एक्स बच जाएगा तो पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस फोर एक्स, तो हम यहाँ पे माइनस फोर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और अब होंगे अब यहाँ पे माइनस थ्री है तो माइनस माइनस प्लस थ्री फोर जा ट्वेल्व एक्स, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस के इलेवन एक्स आ जाएगा, और अब ये प्लस सिक्स यहाँ पे उतार लेते हैं। अब दोबारा से x की माइनस के इलेवन एक्स में डिवाइड करनी है, तो क्या आ गया दोस्तों हमारा माइनस इलेवन, तो माइनस इलेवन को यहाँ पे लिख देंगे, तो माइनस इलेवन एक्स आ गया हमारा, तो माइनस इलेवन को दोबारा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और थ्री इलेवन जाए थर्टी थ्री, मतलब प्लस थर्टी थ्री, फिर से साइन चेंज हो जाएंगे प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस से ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है वो माइनस का है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और ये माइनस वाला बड़ा है तो हमारा आंसर भी माइनस ट्वेंटी सेवन आएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा माइनस ट्वेंटी सेवन, और हमारा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा माइनस फोर एक्स माइनस इलेवन। दोस्तों चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ट्वेंटी क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन ट्वेंटी, इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली ईच अदर एंड एक्स इज इक्वल टू टेन व्हेन वाई इज इक्वल टू सिक्स फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन। तो दोस्तों हमें इसके लिए एक टेबल बनानी होगी, वही जो मैंने आपको बताया था शोल्डर वाले, शोल्डर कितनी शोल्डर को कैंप छोड़ना पड़ेगा वही उसी का उस वही वाला तरीका लगाएंगे। तो दोस्तों पहले लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y, यहाँ पे x कितना है दोस्तों पहले 10, y कितना है 6, और अब हमें क्या y बताना है x कितना है 15, और ये इनवर्सली है तो मतलब इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि ऐसे और मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय x, और फिर 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है इससे जाके डिवाइड आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 15 इज इक्वल टू x, तो 2 से ये 3, 5 से ये 2 टाइम्स, और 5 से ये 3 टाइम्स, और 3 से ये 2 टाइम्स, और तो हमारा क्या आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 4। सिंपल दोस्तों हमारा क्या आ गया, हाँ x इज इक्वल टू 4। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों मैंने जीके के पेपर के सॉल्यूशन दिसंबर और जून के दोनों के बना दिए हैं, मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके दोस्तों बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, पार्ट बी में हम दोबारा पार्ट सी में भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे।